नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमन पवार, आपका बॉलीवुड इन्फी चैनल में स्वागत है। तो चलो बात करते हैं बॉलीवुड की तमाम खबरों के बारे में। नंबर वन, बिग बॉस ओटीटी 2 जीतने के बाद एल्विश यादव की किस्मत के सितारे सातवें आसमान पर हैं। एल्विश यादव को लगातार काम मिल रहा है और वे अपने काम में सक्सेस भी हो रहे हैं। बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश ने कुछ म्यूजिक वीडियो किए थे और उनके सभी म्यूजिक वीडियो को करोड़ों में व्यूज मिला है। लगातार म्यूजिक वीडियो में सक्सेस मिलने के बाद एल्विश यादव के हाथ अब एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है। बहुत जल्द एल्विश एक रियलिटी शो को होस्ट करते हुए दिखने वाले हैं। एल्विश यादव, बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय और करण कुंद्रा संग इस शो को होस्ट करेंगे। पहली बार एल्विश एक बिग प्रोजेक्ट में बिग सेलिब्रिटीज संग मंच शेयर करते हुए दिखेंगे। हाल ही में एल्विश ने एक ब्लॉग अपलोड किया है और इस ब्लॉग में एल्विश ने शो होस्ट करने की जानकारी दी है। एल्विश ने ब्लॉग में बताया कि किस शो को होस्ट करेंगे। एल्विश ने बताया कि वे इंटरनेशनल शो टेम्पटेशन आइलैंड के इंडियन वर्जन को होस्ट करने वाले हैं। नंबर टू, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने देसी लुक में सोशल मीडिया पर शेयर की हैं तस्वीरें। येलो साड़ी में कैटरीना ने शेयर की हैं तस्वीरें। तस्वीर शेयर करते ही वायरल हो गई हैं। तस्वीर में लाखों में लाइक आ गया है। बता दे, कैटरीना कैफ इन दिनों टाइगर 3 के वजह से चर्चा में हैं। कैटरीना कोई सालों बाद और शादी के बाद पहली बार एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान के साथ दिखाई देने वाली हैं। हाल ही में टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें कैटरीना टावल फाइट करते हुए दिखी हैं। कैटरीना का टावल फाइट ट्रेलर रिलीज के बाद से ही चर्चाओं में है। बता दे, कैटरीना और सलमान की फिल्म टाइगर 3 सिनेमाघरों में 12 नवंबर को आने वाली है। फिल्म में इमरान हाशमी विलेन के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। नंबर थ्री, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ काफी समय तक रिलेशनशिप में थे। दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता था, लेकिन अचानक ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों का ब्रेकअप किस वजह से हुआ है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। दोनों को नया पार्टनर भी मिल गया है। जहां दिशा पटानी अभी अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ रिश्ते में हैं, तो वहीं खबर है कि टाइगर भी एक एलडीडी डहाकी को डेट कर रही हैं। ब्रेकअप के बाद भी टाइगर और दिशा खुश हैं। इसी बीच अब खबर आ रही है कि दोनों एक फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म मेकर जगत शक्ति की हीरो नन 1 इंच में एक साथ दिखेंगे टाइगर और दिशा। बागी 2 इंचेस में दिशा और टाइगर एक साथ दिखे थे और अब कोई सालों बाद फिर से दोनों एक साथ दिखने वाले हैं। बता दे, हीरो नन 1 इंच में पहले सारा अली खान को टाइगर के अपोजिट कास्ट किया गया था, लेकिन डेट्स के वजह से बाद में दिशा पटानी को कास्ट किया गया। नंबर फोर, बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करी है। तस्वीर में दामाद और ससुर एक साथ दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते ही वायरल हो गई है। तस्वीर में दामाद केएल राहुल संग ससुर सुनील शेट्टी की दोस्ती देखने को मिल रही है। दोनों दामाद ससुर सेम कलर के ड्रेस में भी हैं। दोनों दामाद ससुर की तस्वीर में सुनील शेट्टी की बेटी और केएल राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी ने भी रिएक्शन दिया है। अथिया ने कमेंट में रेड हार्ट इमोजी पोस्ट करी है। बता दे, इन दिनों केएल राहुल वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। चोट के बाद टीम में वापसी करते ही वे शानदार प्रदर्शन करने लगे हैं। शानदार प्रदर्शन के वजह से केएल को लोगों से तारीफ भी मिल रहा है। नंबर फाइव, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म तेजस रिलीज हो चुकी है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन भी आ गया है। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर काफी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कलेक्शन उम्मीद के हिसाब से नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 25 करोड़ की ही कमाई करी है। पहले दिन के कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि फिल्म फ्लॉप होने की दिशा में है। वैसे फिल्म के लिए अभी भी समय है, तो हिट भी हो सकती है। बता दे, तेजस में कंगना रनौत भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट के किरदार में है। तेजस एक देशभक्ति से जुड़ा फिल्म है। नंबर सिक्स, 48 साल की उम्र में मलाइका अरोड़ा ने दिखाया हुस्न का जलवा, रेड कार्पेट पर ढाया कहर। मलाइका अरोड़ा की उम्र चंद सालों में 50 साल को पार कर जाएगी, लेकिन आज भी उन्हें देखकर लगता है कि वह महज 28 साल की हैं। मलाइका अरोड़ा की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो रेड कार्पेट पर हुस्न का जलवा बिखरते हुए नजर आ रही है। मलाइका अपने आप को फिट रखने के लिए योग और हैवी एक्सरसाइज करती है। बता दें कि हाल ही में मलाइका ने अपना जन्मदिन मनाया, जिससे पता चला कि वो 48 साल की हो चुकी है।